नमस्ते व्यूवर्स, मैं मिथिलेश आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक और नए वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। आज मैं जिस किताब का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है हु पेंटेड माई मनी वाइट। इस किताब के लेखक हैं श्री अय्यर और ये किताब 2019 में प्रकाशित हुई थी। ये किताब 2019 की amazon.com बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। ये किताब एक पॉलिटिकल थ्रिलर पर आधारित है जो इंडियन पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस किताब में आपको इंडियन पॉलिटिक्स का वो चेहरा मिलेगा जिसकी ना कोई बात करता है और ना कोई सुनना चाहता है और जिसको हमेशा सबसे छिपाया जाता है। इस किताब में आपको इंडियन पॉलिटिक्स का वो अभिन्न भाग मिलेगा जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या पॉलिटिक्स में, जैसे कि रिलीजियस अपीजमेंट और कैसे पॉलिटिशियंस हमारे पड़ोसी मुल्क को हेल्प करते हैं हमारे देश में बम ब्लास्ट करवाने के लिए, हमारे देश में नफरत कैसे फैलाया जाए टेररिज्म जिहाद फाइनेंशियल इकोनॉमिक सबोटेज के थ्रू, कैसे हमारे यहाँ करप्ट लीडर अपने पावर का फायदा उठाकर भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते आए हैं। आप जैसे जैसे इस किताब को आगे पढ़ते जाते हैं आपके लिए ये बहुत आसान जाता है रियल वर्ल्ड लीडर जो हमारे देश में हैं उनसे इसको रिलेट करने में। आपको रियल वर्ल्ड वो पॉलिटिशियंस आपकी नजरों के सामने घूमने लगते हैं, आप आसानी से उनसे रिलेट कर सकते हैं। ये किताब उन सभी बातों या मुद्दों पर भी प्रकाश डालती है जो बिहाइंड द सीन चल रहे होते हैं और जिसको मीडिया इग्नोर कर देती है या कहे कि वो लोगों को दिखाना नहीं चाहती है बताना नहीं चाहती है। ये एक फास्ट मूविंग और वाइड रेंजिंग थ्रिलर किताब है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप एक क्राइम थ्रिलर कहानी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट और इनके फाइनेंशियल क्राइम्स के ग्रे एरिया को ये किताब बहुत बखूबी दर्शाता है। ये किताब तीन भागों में प्रकाशित होनी है जिसका पहला भाग है हु पेंटेड माई मनी वाइट। इसके और दो भाग भी आने बाकी है। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिलॉजी। ये किताब इंग्लिश भाषा में लिखी हुई है और इसकी भाषा बहुत आसान है जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं और पॉलिटिक्स के डार्क एरिया ग्रे एरियाज को जानना चाहते हैं तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में कुल 289 पेजेज हैं और इस किताब को मैं रेटिंग देता हूँ 4 stars out of 5 stars और मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब हर एक भारतीय को पढ़नी चाहिए। पढ़िए भी और डरिए भी, और आपको बहुत डरना भी चाहिए क्योंकि इन नेताओं का कनेक्शन और फॉरेन पावर्स का दबाव इनके ऊपर किस तरह हावी होता है जिसकी भनक किसी को भी नहीं होती है। खासकर आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, आम लोग लाइक मैंगो पीपल, किसी को कोई आइडिया नहीं होता है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये इनका जो पॉलिटिक्स है उसके पीछे क्या चल रहा है। और उन सारी बातों को ये किताब बहुत अच्छी तरह डिटेल में बाहर लेके आती है। जब आप पढ़ेंगे तो शौक रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उसे खरीद सकते हैं। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आई होगी। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सचेत रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।